बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ अल्लाह की दात से आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा डेली में आपको डेली की रूटीन दिखाती रहती हूँ, तो सबकी लाइफ में मेरे ख्याल से वही होता है, हाँ कभी कभार रेसिपीज चेंज हो जाती है। तो मैंने कहा आज मैं आपको ना, पहले मैंने आपको रूम टूर दिया था, तो आज मैंने सोचा मैं आपको ना वैरायटी टूर दे देती हूँ आपको। तो चले आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी वैरायटी में क्या क्या है। ये है जी मेरी पूरी वैरायटी, ये और ओवरऑल लुक आप देख लें। तो ये आप पहले एक व्यू ले लें, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती कि कौन कौन सी चीज़ मैंने कहाँ कहाँ पे रखी हुई। तो यहाँ पे एक दफ़ा देख लें। तो ये है जी, ये मेरा टॉप है वैरायटी का, ये ड्रेसिंग का मेरा टॉप है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये एक गिलास मिरर रखवाया है। उसके ऊपर ये तीन किस्म की आपको डिशेज नजर आएंगी। एक ये डिश पड़ी हुई जिसमें मैंने अपनी चीज़ें रखी, मैं आपको बाद में बताती हूँ डिटेल में क्या क्या रखा हुआ है। एक ये है मेरी परफ्यूम्स वाली, और इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है एक बड़ा सा बात, और एक ये पड़ी हुई है मेरी एक और जो मेकअप जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। तो एक ये मेरी डिश पड़ी हुई, तो ये टोटल मेरे पास तीन है। तो ये स्टार्ट करते हैं इधर से सेंटर वाली से, ठीक है जी। सेंटर में मैंने ये एक रखी हुई बड़ी सी, ये मैंने उसकी ब्रास की ये रखी हुई है, मैंने एक डिश रखी हुई उसके अंदर मैंने लुक मिरर रखवाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने खुद से रखवाया है इसके अंदर। और ये इसमें सबसे पहले ये आ जाते हैं, एक ये मैंने वाज रखा हुआ है, इसके अंदर पिंक कलर के इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये हैं जी, ये मेरे पास दो अदद ये हैं बॉडी जेल्स मेरे पास, ठीक है, शावर जेल्स जिससे हम लोग शावर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी बेटियाँ लेकर आई थी काफ़ी, ये पांच थे, तो तीन तो यूज़ में आ गए, तो दो ये पड़े, मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ। एक मैंने वास की साइड पे रखा हुआ है और एक मैंने इस साइड पर रखा हुआ है, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास परफ्यूम, ये परफ्यूम्स की कलेक्शन पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी मेरी हैं और ये सारे बाहर के परफ्यूम्स हैं, इसमें एक जो है इधर के है, बाकी सारे बाहर के। मेरे पास गैस का परफ्यूम है, ये है रेड डोर, ये मेरे पास ये आ गया जी मेरे पास, इसमें कुछ ज़ारा के परफ्यूम्स हैं। अच्छा ये है जी ज़ारा का, ये है किम कार्डशियन का, ये है काल्विन क्लेन, और ये है मेरे पास उसका खाडी का, ये खाडी के मेरे पास, ठीक हो गया। और एक ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं, ये देखें, ये आप नाम आप लोग खुद ही ऊपर पढ़ लें, ये पढ़े हुए ये देख लें आप, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। तो ये सारी मेरी बेटियां कुछ लेकर आई थी, कुछ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो ये वो पड़े हुए हैं, अभी मज़ीद और आने वाले परफ्यूम्स मेरे। तो मैंने कहा मैं आपको ना ये सारी अपनी परफ्यूम्स की कलेक्शन में आपको दिखा दूँ, ठीक हो गया। ये है जी छोटू सा मिनी सा, ये फिनिश हो गया, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसकी बॉटल बहुत क्यूट है, तो ये मैंने फेंका नहीं, मैंने कहा चले इधर ही पड़ा रहे, ये नेक्स्ट टाइम बेटियों से फिर मंगवाऊंगी, तो ये वैसे इधर पड़ा हुआ है, कभी ख्याल ही नहीं रहा इसको मैं फेंक दूँ, तो खैर ये बहुत मुझे प्यारा लगता। तो अब आ जाते हैं इधर, तो ये है मेरी जी इधर कोल्ड क्रीम पड़ी हुई है, और इसके नीचे ये मेरा पड़ा हुआ है, ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले जब अपना रूम टूर दिया था तो उसमें दिखाया भी था। और ये देखिए ये इंडियन ज्वेलरी, ये जो प्योर कुंदन होता है ना, ये है वो, ये मेरी बेटियां लेकर आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उनके पास वो इंडियन ज्वेलरीज वगैरह होते हैं, उनके फ्रेंड थी तो उन्हें मंगवा के दी, ये मैंने वो रखी हुई, ये देखें ये सारी मैंने उधर ही की रखी हुई। ये देखें ये है एक माला, ये कितनी प्यारी लग रही है, ये साड़ी के ऊपर आप पहने बहुत प्यारी लगेगी, साड़ी के ऊपर आप वेयर करें, ये देखें। तो जी ये होगी मेरी ज्वेलरी, बाकी और भी इसमें मैं नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये कोल्ड क्रीम होगी, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट, ये मैंने छोटा सा ये रखा था होल्डर है इसको, ये मेरी बेटी ने मुझे दिया था, और ये रोज़ भी मेरी बेटी ने मुझे दी, और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ हैप्पी मदर डे, और ये भी मेरी बेटी ने दिया था, तो ये भी मैंने फेंका नहीं, इसी में रख दिया। और इसमें कुछ ना मेरी आई पेंसिल्स पड़ी हुई है, और ये एक सीज़र रखी हुई मैंने छोटी सी काम आती है, सही मोटी मोटी चीज़ें आपको मैं दिखा रही। जी बढ़ते हैं अब इस तरह की इस डिश की तरफ, तो ये इसमें मेरे पड़े हुए नेल पेंट्स मैं नहीं लगाती, बेटियां जो छोटी गई हैं वही पड़े हुए, मैंने ये कभी नहीं लगाया, कोई ओकेजनली लगा लूँ वरना मुझे शौक नहीं, और नमाज़ भी पढ़नी होती तो मैं बहुत कम आप लोग देखेंगे मेरे हाथों पर लगी मैं ये नेल पेंट्स हैं। और ये हैं जी सारे मेरे पास ये हाईलाइटर्स हैं, ठीक है, ये कुछ हैं ये ब्लश ऑन है ये वाले, और ये भी ब्लश ऑन है, और इसके नीचे जितने भी पड़े हुए ये हाईलाइटर्स हैं, और ये जो होती है आईब्रो के लिए जो होती है ना जेल, ये वो कह रहे ये वो है, ठीक है। और उसके बाद ये हैं जी ये लूज पाउडर जो होता है वो है, और ये क्रीम है ये फेस क्रीम है, ठीक है। और ये आ गया जी मेरे पास ये बालों पे लगाते हैं जेल, और ये जो है ये जो है ये भी वो ही हैं हाईलाइटर्स, ये भी हाईलाइटर्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया, और ये हैं जी बॉडी मिस्ट है मेरे पास, ये देखें आप, ये मैं आपको एक दिखा देती हूँ, ये बॉडी मिस्ट पड़े हैं, ठीक है, ये वो है, और ये भी
और ये है जी क्ले मार्क्स, और ये पड़े हुए ये हैंड क्रीम्स हैं, ये एक दो तीन ये हैंड क्रीम्स हैं, और ये मेकअप के पहले जो लगाते हैं वो, और ये कुछ मेरी कोल्ड क्रीम पड़ी हुई और कुछ मेरी सनस्क्रीम है, ठीक है। ये भी हो गए। इसके बाद मैंने एक ये छोटा सा ये रखा हुआ है, इसमें मैंने ये भी एज ए डेकोरेशन ही है, और ये इसमें एक मैंने बॉल डाली हुई है, और ये है कैंडल है हमारी जो ये देखें ये कैंडल है इसमें, ठीक है। और ये एक पड़ा हुआ छोटा सा डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है, इसको ऑन करें तो बड़ी प्यारी इसकी लाइट जलती है। अब आ जाते हैं इधर, और एक ये पड़ा हुआ छोटा सा, इसमें ये नोट आप लिखने के लिए ये एक छोटा सा पड़ा हुआ है, पर इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। वैसे ये भी मेरी बेटी ईद का था तो मैंने ये भी जान, तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि मैं आपको और चीज़ें दिखा दूँ। तो ये एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मेरी लिपस्टिक्स हैं सारी, लिप ग्लॉस हैं इसके अंदर, और ये देखें ये नीचे मैंने इसके ये यूँ मैंने इसमें वो रखी हुई ये चीज़ें कुछ ना मेकअप की पड़ी हुई इसके अंदर ही, ये जो लूज ग्लिटर होती है ये वो पड़ी हुई है, ये की चेन पड़ी हुई, छोटी मोटी चीज़ें इसमें मैंने रखी हुई। अच्छा ये सारा मेकअप मेरा, मेरी बेटियाँ सारी कुछ इधर से हैं लिपस्टिक, और ज़्यादातर जो है बाहर की मेरी बेटियाँ लेकर आई, मैं मेकअप इतना यूज़ नहीं करती, मुझे मेकअप करने का बिल्कुल भी शौक नहीं और ना मुझे इतना ज़्यादा पता है, जो जो पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एक ये लिपस्टिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिप ग्लॉस है मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, एक ये लिप ग्लॉस है, ये भी लिप ग्लॉस है, ठीक है, ये सारे लिप ग्लॉस है ये देखिए ये भी लिप ग्लॉस है, ये भी लिप ग्लॉस है, बहुत सारी वरायटी है, पर आप मुझे कभी लगाया वही देखेंगे। लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है, इसमें ना ज़्यादातर जितनी भी ये लिप ग्लॉस है, इसमें ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें मेरी बेटियाँ लेकर आई हैं तो वो ना फिर जाते हुए मेरे पास ही छोड़ देती हूँ, कुछ चीज़ें स्पेशली मेरे लिए लेकर आती हैं। ये देखें ये भी बाहर की लिपस्टिक है, ये देखें ये भी बाहर की है, मेरे हस्बैंड मेरी बेटियाँ वो लेकर आते हैं, ये देखें ये भी फेंटी ब्यूटी की है, ये फेंटी ब्यूटी की है, ये देखें बहुत प्यारी लगती है मुझे, छोटी छोटी सी नहीं, ये आप बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं कहीं भी जाएं तो, बहुत प्यारी है ये। और ये मेरा फेवरेट है, ये मैं और कुछ लगाऊँ कहीं जाती हूँ तो ये मेरा ये जो होता है ब्लश ऑन, ये देखें लिक्विड, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह। आप इसका ना ये एक डॉट इसके लगा ले मुंह पे तो बस, ये आपको और कुछ लगाने की ब्यूटी का है, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। मैं बता दूं? हाँ बता दो, आप बता दो। ये हमारे यहाँ पे मस्कारास पड़े हुए हैं, ये कुछ लिप ग्लॉसेस हैं, ये जैसे सेफोरा का है एक, ये लिप ब्रश है, ये कुछ आई क्रीम्स हैं यहाँ पे हमारी जो आई के डार्क सर्कल्स के लिए, कुछ ये क्रीम्स पड़ी हुई हैं, और ये हमारे ब्लश ऑन पड़ा हुआ है, ये हमारे वो हैं लिप ग्लॉसेस हैं, ये कंसीलर पड़ा हुआ है, ये भी लिप ग्लॉसेस हैं, कुछ मेबलिन के हैं, कुछ मिक्स हैं सारे, ठीक है। और ये हमारे मस्कारास आगे इधर, ये भी लॉरियल के और मेबलिन के मस्कारास हैं, तो ये हमारी है लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर जो भी कह रहे हैं आप, मेकअप ऑर्गेनाइजर, इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं पर हमने अपनी मर्जी से इसमें लिपस्टिक रखी हुई। और ये कुछ मैका मैक्स की लिपस्टिक्स हैं हमारे पास, और ये किसकी है, हाँ ये मेबलिन की लिपस्टिक है, और ये मैका मैक्स की, हाँ ये मैका मैक्स की है, और ये जो है ये भी ये मैक्स फैक्टर एक्स की है। बहुत सारी तो इसमें इधर उधर होगी, पता ही नहीं थी हैंग काम वो किधर गई किधर नहीं गई, क्योंकि चीज़ें फिर ना पता नहीं चलता, मैं रख के इधर उधर फिर भूल जाती। चले खैर ये हमारा हो गया, अब चलते हैं जो हमारी थर्ड डिश है जिसमें बाकी मैंने चीज़ें रखी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये इससे ना ये कंटूर है जिससे हम लोग अपनी चीक्स को या बोन्स को हाईलाइट करते हैं, कंटूर करते हैं, ये वो है, ठीक है। और जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता चला, मैंने बताया मुझे इतना मेकअप में कोई इंटरेस्ट है नहीं, जब इंसान किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है तो उसके बारे में नॉलेज भी होती, जब नहीं लेता तो किसी चीज़ का भी, मेरी बेटियाँ मुझे कहती रहती मम्मा आप, मैंने कहा बेटा जब मेरा ये डिपार्टमेंट ही नहीं है तो मैं क्या इसमें इंटरेस्ट लूँ। खैर जो चीज़ें मुझे पता मैं बता दूँ, जो चीज़ें नहीं पता मेरी बेटी आपको गाइड कर देगी। और एक ये रहा ब्लश ऑन, एक ये भी है, ये देखिए ये शी ग्लैम का है, ये शी ग्लैम का ये भी बहुत ये ट्रेंड में बहुत, और मैं ये भी बहुत लगाती हूँ, मैं एक ये लगाती हूँ, एक जो मैंने आपको दिखाया एक ये लगाती हूँ और एक ये वाला लगाती हूँ, ये तो इतना कोई इसका टेक्सचर जो है ना क्रीमी फॉर्म, ये इतने मज़े के, ये देखें ये देखें ये मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, और एक मैं ये लगाती हूँ। अच्छा एक ये मेरे पास कोल्ड क्रीम पड़ी हुई है, और ये है एलोवेरा मेरे पास, और जी ये है लोरियाल का हेयर सीरम, ये जब आप शार लेकर आते हैं जब आपके बाल गीले हों तो उसमें आप ये थोड़ा सा लगा लें हाथों पे स्प्रे करके तो बड़ी अच्छी से एक शाइन आ जाती है बालों में, बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। और उसके साथ है जी एलोवेरा ये, और ये है सफोरा का मेकअप रिमूवर, इससे हम लोग मेकअप अपना जो होते हैं वो रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये है मैक का
मेकअप फिक्सर, ये है मैक का मेकअप फिक्सर, ठीक है। या जब मेकअप के बाद आपने मेकअप को फिक्स करना तो स्प्रे। और जी ये है हमारे पास फाउंडेशन। अब बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। ये है शार्लेट टिल्बरी की फाउंडेशन, ये बहुत अच्छी कवरेज देती है आपको। तो ये भी मेरी बेटियां लेकर आई थी, सही है। अच्छा, और ये आगे जी बुनेंदा सतरंगी की है, ठीक है। और ये आगे ब्यूटीफाई बाय आमना की है ये वाली। और अच्छा जी, और ये है मेरे पास ट्रू स्किन की एक आगे, ठीक है, फाउंडेशन। और ये है जी, ठीक है। और ये आगे ये मेरे पास ये रेयर ब्यूटी की, ये देखिए ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये आगे नोट की, ये आगे ये नोट की है, ठीक है मेरे पास। और ये मैंने आपको दिखा दी दोनों चीज़ें। और अच्छा, ये हमारे पास एक ये आ गया ये नेक्स का, ये एक इसको आप कह लें कि मेकअप सेटिंग स्प्रे कह लें, ठीक है, ये वो है। और ये है जी हमारे पास मेका मैक्स का हाइलाइटर, ये देखिए ये मैं आपको यूँ दिखा भी देती हूँ, ये भी बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, ये देखिए, ये देखिए क्या। और ये है जी मेरे पास लारोज पोसे की ये सनस्क्रीम है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छी है। ये मेरे पास दो पड़ी, ये भी मेरी बेटियां लेकर आई थी। तो ये जी ये हो गया ख़त्म, ये सारा मेरा, ये पूरे मैंने आपको जो है अपनी वारंटी का जो ऊपर टॉप पे चीज़ें थी वो सारा मैंने टूवर दे दिए। अब बढ़ते हैं इसकी ड्रॉ की तरफ, ठीक है। ये हैं फोर ड्रॉज हैं इसकी, 1 2 3 4, ठीक है। ये इसके ये लगे हुए हैंडल के लिए, आप जो भी इसको पकड़ने खोलने के लिए। और ये नीचे वाले दोनों में मैंने रखे हैं बेटे के कपड़े रखे हैं, और ऊपर वाले में मेरे जो है वो मेकअप की चीज़ें, ठीक है। तो ये बढ़ते हैं पहले उसकी तरफ, मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मेरा पिटारा खुल गया, ठीक है। सबसे पहले ये मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये पाउच, ये भी मेरी बेटियाँ ही लेकर आई हैं। ये आपको सारी चीज़ें उबदरी की मिलेंगी जो मेरी बेटियाँ लेकर। ये देखें इसमें ये सारे ब्रशेस पड़े हुए, सही है। इसमें एक में मैंने रखे हुए हैं ऑर्गेनाइज करके, ना छोटे बड़े सारे मिक्स हैं, ये देखें। और ये इसमें से ये भी निकल गया, और ये आई पेंसिल भी इसमें पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जैसे हम लोग अपनी आई लैशेज करते हैं ये वो भी हैं, ये देखें सारे बड़े छोटे ब्रश सारे आपको मिलेंगे, सही हो गया। और जी ये एक पाउच पड़ा हुआ है, ये इसमें कुछ मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये हैं इसमें मेरे कैचर्स वगैरह पड़े हुए, ठीक है। मैं आपको खोल के ये दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये सारे इसमें मेरे कैचर्स वगैरह पड़े हुए, ठीक है। और ये एक ये पाउच पड़े हुए, इसमें सारे मेरे फेस रेजर्स पड़े हुए, ठीक है, ये मैं खोल के नहीं दिखा रही। और इसमें मेरे कॉइन्स पड़े हुए, और इसमें मेरे जो हैं इसमें कुछ टूटे पैसे मैं रखती हूँ सदके के लिए, ठीक है। और ये इसमें मेरे पड़े हुए ट्यूज़र जो होते हैं, ठीक है, ट्यूज़र और थ्रेड और छोटी सीज़र वो मैंने रखी हुई। और ये जी ये मेरे मेकअप रिमूवर वाइप्स पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, ये भी मैंने खोल ली। और ये जो हम लोग ये जब हम लोग अपनी स्किन केयर करते हैं या मेकअप करते हैं उसके लिए जो हम लोग ब्रांड यूज़ करते हैं ये वो। और ये जो है ये लेंसेज के जो बॉक्स पड़े हैं, ये भी मेरी बेटियों के, मैं तो यूज़ करती नहीं, वो छोड़ के गई तो मैंने भी रख दिए थे। ये बाकी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, और ये जो है ये सारे मेरे डिओड्रेंट। और ये है जी मेरी बाजू की क्रीम है, ठीक है, ये डीप हीट की है मेरी बाजू में, जो मैं आपको बता रहा हूँ दादा ये डॉक्टर मुझे रिकमेंड किए, तो ये मैं लगाती हूँ तो फिर यहाँ ही रख देती हूँ। और ये मेरी ब्लीच क्रीम पड़ी अल्लाह जाने कितने टाइम से, ये मुझे खुद भी नहीं पता। और ये मेरे टूथपिक पड़े हुए हैं, प्लकर कह लें आप, टूथपिक कह लें जो भी। और ये कॉटन बड्स पड़े हुए, ठीक है, ये ड्रॉ मेरी होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी ड्रॉ की तरफ। तो बेटी आपको बता देती जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके पास भी फिर टाइम नहीं, उसके पेपर्स होने वाले हैं, तो उसने अपनी स्टडी करनी, उसने पढ़ना है, तो उसके पास टाइम नहीं था। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा आप बता दो, मैं उतनी देर में भाई को खाना दे के आती हूँ। मेरी बेटी बताती है आपको, तो मैं बेटे को खाना दे दूँ। आप बताओ बेटा, आप जल्दी जल्दी से, बस जल्दी जल्दी बता दो, इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से बता दो, मैं आ जाऊंगा अभी आती। ये हमारी पड़ी हुई है, ये रेवोल्यूशन की पैलेट है, ये हमारे पास रोजी की है, ये हमारे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की है, और ये कलर पॉप की है, और ये भी पता नहीं बेनिफिट की है, एंड हमारे पास मॉर्फी की है पैलेट, ठीक है। ये हमारे पास बड़ी पैलेट्स हैं, ये हमारे पास हाइलाइटर है, ये हमारे पास लूज पाउडर है, ये एल्फ का पट्टी प्राइमर है, और ये भी बस कुछ है। और ये हमारे पास रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास प्लकर है, ये हमारे पास स्टॉक में वो पड़ा हुआ था शैम्पू है, ये आई मास्क है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है वुड का, इसके अंदर ऐसी ग्लिटर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, नेक्स की होगी, ऐसे ग्लिटर्स पड़ी हुई है इसके अंदर। और ये जो हमारे सारे छोटे से जो थे और जो इतने यूज़ नहीं होते ये वो हैं, ये हमारे पास ग्लिटरी वाली पैलेट्स हैं, काफ़ी डिटी भी हुई हुई हैं क्योंकि मतलब पुरानी है। ये मैक का कंसीलर का है, ये हमारे पास आईब्रो वाली है, ये भी आईब्रो है, ये हमारे पास आई शेडोज हैं, ये भी आई शेडो वाली है। और ये कोलैट की है, ये हमारे पास है
ये हमारे पास रेवोल्यूशन की है, ये पता नहीं कहाँ की है, और ये हमारे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना की हाइलाइटर वाली, और ये वो है क्या कहते हैं इसको, कॉन्टो ब्रॉन्जर है ये, ठीक है। तो ये हमारी ड्रॉ होगी, इसके अंदर ये हमारी चीज़ें हैं। तो ये हमारी पूरी ड्रॉ हो गई, और अब मामा आती हैं तो बाकी आपको वो बता देंगी। तो जी ये सारा टूवर हो गया, बेटी ने आपको जो थोड़ा सा रहता था बेटी ने दे दी, मैं बेटे को खाना देके आ गई हूँ। तो अब बच्ची भी, क्योंकि वो जल्दी में वो कह रही मामा जी मैंने पढ़ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मिलती हूँ। ये था मेरा छोटा सा वैनिटी टूवर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और ये जो ड्रॉज हैं ये नीचे दो, ये मैं आपको नहीं दिखा रही, इसमें बेटे के कपड़े हैं, ये दिखाने इतने जरूरी नहीं है, तो वो आप लोग देख के क्या करोगे, इतना मेरे ख्याल से आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस चीज़ में, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।